मिले या जब हमको समय पड़े तो उससे मुलाकात हो। ये दिक्कत किस है? उसका नाता नहीं चाहिए कि जो आज जरूरत है तो आया है और फिर 5 साल बाद लौटेगा। अरे खेती सिंह ऐसे नहीं करेगी? ना नहीं करेगी। हम बाई किसको चाहते हैं विधायक बनाना? हम लोग चाह रहे हैं कि केतकी सिंह बने, बहुत बढ़िया नेता है और काम भी करेगी जी। उनके आने से अच्छे काम होंगे? हाँ हाँ हाँ, पूर्ण विश्वास है कि उनके आने से काम होगा। राजेंद्र राजभर। राजभर जी किस गांव से हैं? धनौती गांव से जी। किसको चाहते हैं इस बार आपके क्षेत्र के विधायक बने? हम तो केतकी सिंह को चाहते। केतकी सिंह को चाहते जी। जी उनके आने से क्षेत्र का आपका कुछ? नहीं, उन्होंने बहुत काम किया, करती हैं गरीबों में, दुख सुख में सभी के साथ रहती हैं। इस वजह रवि जी किस गांव से हैं? धनौती से। कौन सा विधानसभा है? बांडी। किसको चाहते आपके क्षेत्र के विधायक? केतकी सिंह को चाहते हैं कि वो विधायक बने। केतकी सिंह आने से कुछ होगा लाभ? हाँ, तो नए नए अतु हैं, वो आएंगी तो करेंगी। जी तिवारी जी किस गांव से हैं? धनौती जी। किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र का विधायक बने? केतकी सिंह को चाहते हैं। उनकी क्या उनकी छवि कैसी है? निमन। निमन शिवनाथ तिवारी। शिवनाथ जी किस गांव से हैं? मेरे से। किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र के विधायक हो? केतकी सिंह को चाहते हैं। केतकी सिंह के देंगे तो अच्छा काम होंगे? जी काम होंगे, मोदी के नीचे पर चलती है इनका सुशासन। मतलब इस बार उनकी जीत निश्चित है? निश्चित है, हम लोग तो प्रयास करेंगे कि अब करते हैं कि निश्चित है। गाँव से हैं? किसको चाहते हैं इस बार विधायक बनाए, किसको वोट करेंगे? मोदी बाबा के। यहाँ से कोई प्रत्याशी है? यहाँ से प्रत्याशी तो नहीं मालूम है, मैंने कमल का फूल। संजय। संजय जी किस गाँव से? धनौती से। किसको चाहते हैं विधायक बनाना? देखिए हम भी तो कैसी केतकी सिंह चाहते हैं। केतकी सिंह? हाँ। क्या जी किसको चाहते हैं? केतकी सिंह को। क्या उम्मीदें हैं जितने के बाद अच्छे काम करेंगे? काम देखिए भाजपा काम तो बढ़िया कर रही है और भाजपा का सपोर्ट है निषाद पार्टी का, तो उम्मीद है कि भी अच्छा काम करेंगे अपने क्षेत्र में। अगर चुनाव ये 22 बिलोंग करते हैं जी, किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र के विधायक को? अपने क्षेत्र से केतकी सिंह को चाहते हैं और ये लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी जी को और प्रधानमंत्री मोदी को, इससे देश विदेश सब सर हर जगह भारत का वर्चस्व रहेगा। नाम? नाम बताओ। उषा। उषा जी किसको चाहते हैं विधायक बनाएंगे आपके क्षेत्र से? कमल के फूल के। और का? कमल के फूल के। हाँ। से कमल के फूल खिलाएंगे आप? हाँ। नाम है श्री अशोक कुमार दुबे। जी दुबे जी बाहरी विधानसभा से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। हाँ जी किसको चाहते हैं इस बार जिताना? हम तो केतकी सिंह को जिताना चाहते हैं क्योंकि उससे बढ़िया नेता यहाँ कोई है नहीं और पार्टी है बीजेपी तो प्रदेश और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक इतनी बढ़िया सरकार आज तक हमने अपने होश में नहीं देखा। रामेश्वर तिवारी। रामेश्वर तिवारी किस गांव से हैं? धनौती। किसको चाहते हैं इस बार आपके क्षेत्र के विधायक बने और आपकी सेवा मन लगे आपके सहयोग करें? केतकी सिंह को चाहते हैं। क्या आपकी वो मदद करेंगे? जी हाँ करेंगे। राम मोहन चौधरी 5 साल में कुछ किए? 5 साल में तो दिखाई ही नहीं दी, इसलिए केतकी सिंह करना चाहते हैं। किस गांव से हैं? बिलोंग करते हैं। बनासरी के। किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र के विधायक? केतकी सिंह एकदम सक्रिय कार्यकर्ता जी। और राम गोविंद चौधरी का कार्यकाल कैसे देखे हैं? कार्यकाल देखे हैं कि राम गोविंद चौधरी को ढूंढना पड़ता है कि कहीं दिख जाए गलती से। केतकी सिंह को ऐसा कोई नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, जब चाहे तब मिल सकते हैं उनसे, जो चाहे कह सकते हैं कर सकते हैं। शर्मा जी किस गांव से बिलोंग करते हैं? सिमरी रामपुर से। किसको चाहते हैं विधायक बनाना? केतकी सिंह को। केतकी सिंह का क्या उनको बनने से आज क्षेत्र का विकास होता है आपका? एकदम विकास होगा, बहुत बढ़िया होगा जी। आपके क्षेत्र में अभी तो वर्तमान में प्रतिपक्ष नेता विधायक है। तो क्या उनको आप नहीं पसंद करते हैं? पसंद है लेकिन उस तरह का नहीं है। नहीं है और कितनी उस तरह के हैं? बढ़िया। हाँ, बढ़िया। रवि जी बाहरी विधानसभा से बिलोंग करते हैं जी। किसको चाहते हैं इस बार विधायक आपका हो? हमारे केतकी सिंह। केतकी सिंह जी। राम गोविंद चौधरी कार्यकाल किस रूप में देखे हैं आप? हमको 5 साल हो गया, 5 साल में अभी आज तक दिखाई नहीं दिए वो ना। केतकी सिंह दिखाई देंगे? अब समय आ गया है उनका। जा गया। हाँ उनको मौका देंगे आप लोग? उनको क्या मौका देने का है बाबा? हाँ
ये सरकार जो आज केंद्र में है या राज्य में है, ये सरकार सबको लेके चल रही है। ये जो जातिवाद की सरकार है, वो जो है ना अपना राम गोविंद जी की, जातिवाद की सरकार है जी। और मायावती भी जातिवाद की सरकार है जी। केतकी सिंह को आप व्यक्तिगत भाव से वोट करेंगे? हाँ हाँ हाँ। देवेंद्र कुमार दुबे। किस गांव से बिलोंग करते हैं? धनौती विधानसभा जी। जी बांटी विधानसभा है जी। चुनावी माहौल चल रहा है, प्रत्याशी अपना दावा कर रहा है, हम बहुमत से जीत रहे हैं जी जी, चाहे वो राम गोविंद चौधरी से लेकर तमाम दावे हैं, किसको चाहते हैं आप लोग? केतकी सिंह। केतकी सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केतकी सिंह को चाहते हैं कुछ ही उठ से हार गए जी, इस बार दो दो उनके पास सिंबल आ गया है जी। तो क्या आपका अनुमान कितने वोट जीत रही हो? 30,000 वोट। प्रहलाद तिवारी। तिवारी किस गांव से हैं? धनौती। किसको चाहते हैं आपके विधायक बने? हमारे विधायक बढ़िया नेत्री हैं, केतकी सिंह जी। भाजपा की सरकार है, यही सब लोग चाहते हैं, हम ही क्या चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है प्रदेश की। तो उनके विधायक बनने से आप लोग क्षेत्र का भला होगा? पूरे क्षेत्र का भला होगा। पहले भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कार्य किया अच्छे अच्छे, आज भी वो तत्पर है कार्य करने के लिए। 10 सालों से जनता के बीच में वो रहती हैं और आगे भी वो जनता की सेवा में लगी हुई हैं। पूरे भाजपा सरकार जनता की सेवा में लगी हुई है। मेरा नाम गौरव सिंह है। विधानसभा से बिलोंग करते हैं? यस हाँ सर। किसको चाहते हैं इस बार विधायक बनाना? देखिए बात ऐसी है कि जो राम गोविंद प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको आज तक मैंने सिर्फ बैनर में देखा है। आज तक वो हमारे गाँव में पैर नहीं रखे हैं जहाँ तक मेरे को पता है और बाकी लोगों ने बताया आपको। हम लोग तहे दिल से केतकी सिंह को इस बार लाना चाहते हैं। हमारे घर आती हैं, संबंध अच्छा है उनसे, यहाँ पे रहेगी, काम कराएंगी। हम आपको बोल रहे हैं राम गोविंद चौधरी को मास्टर नहीं देखे इधर कहीं भी एरिए में पूरा जी। इस बार आप केतकी को देखना चाहते हैं? हाँ। राकेश गुप्ता है। किस गाँव से बिलोंग करते हैं? हम यही बेरवार बड़ी ब्लॉक के। किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र का विधायक हो? हम लोगों के क्षेत्र से पिछले विगत 15 सालों से महिला जो है केतकी सिंह जी पिछले 15 सालों से मेहनत कर रही हैं। पिछले चुनाव में निर्दल लड़ी थी, कुछ वोटों से हार गई थी। इस बार हम लोग चाहते हैं कि वो लोग वो पूर्ण एकदम अच्छे से जीते और हमारी योगी जी की सरकार जीतने के बाद उनके कार्य अच्छे होंगे जी। बिल्कुल कार्य अच्छे होंगे। क्या वो आप यहाँ राम गोविंद चौधरी भी हैंगे क्या जी? उन्हीं से हमारी लड़ाई है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस बार उनको हरा के और घर भेज दिया जाए जी। मेरा नाम राजेश दुबे है, मैं ग्राम सभा धनौती का रहने वाला हूँ और एक आम नागरिक हमेशा जनसेवक के रूप में देखने को मिलता है हमें। किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र के विधायक हो? देखा जाए तो 62 विधानसभा में हमारे यहाँ बहुत सारे नेता हैं जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो मजदूरों की आवाज़ उठाए, जो गरीबों का उनका न्याय दिलाए, लगातार 15 सालों से अपनी मेहनत के बल पर सबके दिलों पर राज करे, एक ही शख्स हो सकता है जो सबके जुबान पे आ रहा है, माननीय केतकी सिंह जी का जी। तो क्या केतकी सिंह के आने से यहाँ का माहौल बदलेगा? माहौल का पूरा ढांचा बदलने की तैयारी में है वो। यहाँ से नवरसदारों को हटाने की तैयारी में हम लोग सब लग गए हैं, क्योंकि नवरसदार लगातार 2 बार यहाँ से विधायक बने और विधायक बनते ही उनका पद चिन्ह मिलते ही वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं और यहाँ पे दिखाने का काम कहीं से तक नहीं उनका चेहरा दिखता है कि वो लाल हैं कि पीले हैं कि नीले हैं। मंत्री जी हम लोग को देखने को भी नहीं नसीब में होता है कि कहाँ है मंत्री जी, ऐसा हम लोग को रूप देखने को मिलता है उनका। अच्छा, इसका मतलब केतकी जी को आप लोग बहुमत से जिताएंगे? पूर्ण बहुमत से। इस बार 1,00,000 पार से जीतने वाली है वो, 1,00,000 वोटों से ज्यादा मिलने वाला है उनको, 1,00,000 से ज्यादा। अच्छा, 1,00,000 वोटों से जीतने वाली नहीं, 1,00,000 से ज्यादा मिलने वाला है उनको वोट।